रिस्पेक्टेड लिसनर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों की डायरी है चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव टू लर्न। इसमें ऑब्जेक्टिव में पहले ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट ब्लैंक है, इट वाज लॉन्ग बिलीव्ड दैट देयर वाज नो वाटर ऑन डैश, तो यहाँ पे आता है मून। यानी पहले ये सोचा जाता था कि चांद पे कोई पानी नहीं है। नेक्स्ट है, द डैश हैज प्लैनेट्स गोइंग राउंड इट, इसमें आता है सन, यानी तमाम जो सैारे हैं वो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। थर्ड है, आवर सोलर सिस्टम इज इन द गैलेक्सी नोन एज डैश, तो यहाँ पे आता है मिल्की वे, यानी हमारा जो निज़ाम शमसी है जिस कहकशामी है उसको मिल्की वे कहा जाता है। फोर्थ है, मर्करी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन विच इज राउंड डैश 88 डेज में अपने जो चक्कर है वो सन के गिर कंप्लीट करता है मरकरी। फिफ्थ है, डैश आर नॉट इक्वली स्पेस बट डिफर वाइडली, यानी जो प्लैनेट्स यहाँ पे प्लैनेट्स आता है जो सैारे हैं उनका जो डिफरेंस है एक दूसरे से वो एक जितना नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूर है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन डिसाइडेड दैट डैश वुड नो लॉन्गर बी अ प्लैनेट, जो इंटरनेशनल बैनुल्क्वामी जो हलाई यूनियन है उसने ये फैसला किया था कि अब जो प्लूटो है, अब जो प्लैनेट्स हैं सैारे हैं उनकी डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरता, यानी जो प्लूटो है वो पूरी तरह से एक प्लैनेट नहीं है, इसलिए ये अब मजीद प्लैनेट नहीं रहेगा, यानी उसको जो निज़ाम शमसी है हमारा उसमें से निकाल दिया गया था सोलर सिस्टम में से। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ वीनस इज अबाउट डैश 462 डिग्री सेल्सियस, यानी जो वीनस का जो टेम्परेचर है सतह का वो इतना ज़्यादा है, यानी 462 डिग्री सेल्सियस। अपोलो 11 टुक द यूएस एस्ट्रोनॉमर टू द मून इन डैश 1969 में अपोलो 11 जो अमेरिकन हलाबाज थे उनको हला में लेके गया था। नेक्स्ट है, ट्रू फॉल्स, फर्स्ट है, सैटर्न कैन बी सीन विद नेकेड आई, तो फॉल्स है, यानी हम अपनी आम आंख से इस सैारे को जहल को नहीं देख सकते। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन जुपिटर इज मोर देन ट्वाइस ऑन अर्थ, यानी जो जुपिटर सियारा है उस पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है यानी कुव्वत सकल है वो ज़मीन से दो गुना ज़्यादा है, तो ये ट्रू है। लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ ओवर 1 बिलियन, यानी जो बिलियन जो रोशनी है वो तकरीबन 1 बिलियन से भी ज़्यादा जमसा है किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ट्रैवल करती है। The nearest star from the Earth will take 19 years to Earth. तो ये false है। Distance in space are so huge that astronomers use light years to measure them. तो ये true है। यानी फिजा में फासले इतने ज़्यादा हैं कि जो हलाबाज हैं वो इनको मेजर करने के लिए जो नूरी साल हैं वो उनका रेफरेंस देते हैं। नेक्स्ट है, द हाइस्ट माउंटेन इज माउंट एवरेस्ट इन चाइना, तो ये फॉल्स है, माउंट एवरेस्ट चाइना में नहीं है। एस्ट्रिस कैन मेक गुड हार्बर फॉर शिप्स, तो ये ट्रू है। देन नेक्स्ट है MCQs, डेजर्ट्स आर यूजली बिलो डैश मीटर्स इन हाइट 300, यानी 300 जो 300 से भी जो सा हाइट में अगर डेजर्ट देखे जाएँ, क्योंकि ज़मीन की जो हाइट है वो सतह समुंदर से मेजर की जाती है, तो डेजर्ट्स तकरीबन 300 मीटर जो सा है वो नीचे हैं सतह समुंदर से। सब इज़ डैश वर्ड लैटिन वर्ड, ये लातीनी जुबान का लफ्ज़ है। फ्लोइंग और मूविंग वाटर इज़ कॉल्ड डैश रिवर। माउंटेन्स आर यूजली अबव डैश मीटर्स 2000 to 3000। द वैली ऑफ रिवर इज़ मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ इंडिया, तो इसी है गैंगेस, यानी जो दरिया गंगा की वादी है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा जरहेज़ है। इसको यहाँ पे स्टॉप करें। विश बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज। स्टूडेंट्स, आपकी आज कंप्यूटर की जो डायरी है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, लेसन नंबर 1 का या चैप्टर नंबर 1 का वो लर्न करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज द की प्रेस्ड ऑन द कीबोर्ड रीच द मॉनिटर, यानी जब आप कीबोर्ड पे किसी की को प्रेस करते हैं तो वो मॉनिटर पे किस तरह से पहुंचती है। तो उसका आंसर है, व्हेन द की इज प्रेस्ड ऑन द कीबोर्ड द प्रेस्ड की इज स्टोर्ड इन अ बफर नोन एज कीबोर्ड बफर। जब भी आप कोई की प्रेस करते हैं तो वो कीबोर्ड बफर में स्टोर हो जाती है, जैसे टेम्प्रेरी रजिस्टर होते हैं रैम में उस तरह से। फिर वो
इस बफर को कहा जाता है कीबोर्ड बफर, यानी कीबोर्ड रजिस्टर टाइप। जो भी चीज़ आप यहाँ प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, वो सारी की सारी कीबोर्ड बफर में स्टोर होंगी। द हार्डवेयर चेक्स फॉर प्रेजेंस ऑफ द डाटा इन द बफर अलॉन्ग मैनी अदर बफर्स दैट आर प्रेजेंट इन द कंप्यूटर। यानी जो हार्डवेयर होगा वो चेक करेगा कि ये की जो आपने प्रेस की है इसकी प्रेजेंस है, और बाकी के तमाम और इसके अलावा भी बहुत सारे बफर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। सिंस द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज वेरी हाई, सो द प्रेस की इंस्टेंटली अपीयर्स ऑन द मॉनिटर। यानी जो स्पीड है, प्रोसेसिंग स्पीड है कंप्यूटर की, वो बहुत ज़्यादा होती है। तेज़ी से कंप्यूटर काम करता है, चीज़ों को प्रोसेस करता है, इसलिए हमें फ़ौरन ही मॉनिटर पे जो भी की हम प्रेस करते हैं फ़ौरन ही हमें नज़र आ जाती है। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से लर्न करेंगे और लिख के प्रैक्टिस करेंगे।